फेरि आफ्नो टाउकोमा लाउनु पर्छ। सब मेहंदी का शुरू हो गया। आई मीन निशा मुझे मेहंदी लगा दे रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, दिस इज मिस संध्या, यू आर वाचिंग माय चैनल। सो गाइस, कल है करवा चौथ और अभी निशा मुझे मेहंदी लगा रही है। देखिए निशा मुझे मेहंदी लगा रही है, देख दो निशा साइड से खाली। हाय गाइस, बिना मेकअप का नहीं, सिर्फ कैमरा में नहीं देखती है। देख दो ना एक बार, सुंदर है ना गाइस ये भी। देखिए फिर भी नहीं करती है। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं काम करने लग से दिख रहा है। देखती है गाइस, कमेंट करिए। तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं गाइस, घर में तो सब ऐसे ही देखते। देखिए मैं भी तो ऐसे ही दिख रही हूँ ना। और देखिए यावी ने ऑलरेडी मेहंदी लगा दिया है। यावी ने देखी मेहंदी, दिखा दो यावी आपने मेहंदी लगाया। मुझे जो स्टार्ट करिए, बाय द वे गाइस निशा बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। आप थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। दिखा दो यावी, दिखा दो अच्छे से, दिखा दो सीधा करके। कौन लगा दिया, मत हिलाओ ना यावी। बना रहा है। देखो यहाँ का लगाया और यहाँ का लगाया, फ्लावर बनाया। क्या बनाया, फ्लावर? फ्लावर ऊपर का ना। क्या तो निशा बहुत खूबसूरत मेहंदी लगा दे रही है। ये कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी। वैसे गाइस ये मेरी दूसरी बार है करवा चौथ का व्रत, सेकेंड टाइम रख रही हूँ। पिछली बार मैं शिलोंग में थी तब रखा था और अब सेकेंड टाइम रख रही हूँ, क्योंकि हमारे नेपालियों में तो करवा चौथ नहीं होता है, बट गढ़वाली में करवा चौथ होता है। मेरे पति गढ़वाली है, इस वजह से उनमें करवा चौथ होता है, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। अब सुबह मैं कुछ भी नहीं खा सकती, अब पानी भी नहीं पी सकती। सो अभी मैं, अभी हम लोग खाना वाना खा के मेहंदी लगा रहे हैं और अभी थोड़ा देर में दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस देखिए मेरा मेहंदी, निशा ने कितना खूबसूरत मेहंदी लगा दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करवा चौथ, और यहाँ पे मनीष। इतना खूबसूरत मेहंदी लगाने के लिए थैंक यू सो मच निशा। और अभी ऑलमोस्ट रात के कितने बज चुके हैं, 2:30 ढाई बज चुके हैं गाइस। अब मुझे सुबह पता नहीं 4 बजे उठना था खाने के लिए थोड़ा बहुत फल फ्रूट, बट आई डोंट थिंक सो वो भी मैं कर पाऊँगी। अब हम सोते हैं और कल मिलते हैं। बाय गाइस, एंड देखिए कल दिखाऊंगी। सो मिलते हैं कल सुबह, बाय गाइस। गाइस सुबह के 4 बजे रहे हैं और निशा ने देखिए मेरे लिए सरगी बनाया। वैसे तो सरगी सास देती है, मतलब ऑब्वियसली मेरी सास मैया नहीं है, बट उस निशा ने मेरे लिए देखी सुबह सुबह क्या क्या बनाया। मनी जी भी आ गई, गुड मॉर्निंग। वाह सरगी, आप खा रहे हो क्या? खाओ खाओ। सो गाइस इतना सारा तो नहीं खा पाऊँगी, बट थोड़ा बहुत मैं खाऊँगी, बिकॉज निशा ने इतनी प्यार से बनाया। मुझे अभी जस्ट फ़ोन करके उसने मुझे कहा कि प्लीज़ तुम आ जाओ, तो उसने ये रेडी करके रखा है। थैंक यू सो मच, अंदर है वो फिलहाल, खा लेते हैं ना। तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, फिर जाके सोती हूँ, फिर उसके बाद आपको कल सुबह मिलती हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सीन ब्लॉग नेक्स्ट डे। सो गाइज, आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का करवा आप सबके पतियों को रक्षा करे। और एंड गाइज, वैसे ये मेरा दूसरा करवा चौथ का व्रत है, आज मेरा फास्ट है। और पहली बार लास्ट ईयर मैंने किया था, वैसे हमारे नेपाली में नहीं होता है, लेकिन मनीष लोगों के में होता है करवा चौथ, इस वजह से मैं करवा चौथ कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ।
सो फिलहाल मैं जस्ट अभी नहाई और थोड़ा बहुत अभी रेडी हुई हूँ, मतलब इतना ही थोड़ा श्रृंगार किया। देखिएगा इसमें मेहंदी कितना गाढ़ा आया है, लेट मी जस्ट शो मेरा मेहंदी। तो गाइस अभी मैं जस्ट पूजा का थोड़ा ठीक ठाक करूँगी और आज का दिन कैसा जाता है कैसा रहता है मैं आप सबको दिखाऊंगी। सो बने रहिए मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अब मैं पूजा का विधि शुरू करूँगी, आई मीन जितना मैं जानती हूँ उतना ही करूँगी। थोड़ा बहुत स्थान स्थापना करूँगी और थोड़ा देखिए आप। सो गाइस ये करवा है और इसमें मैं ये डालूंगी सुपारी और बता सो। सो गाइस मैंने ये ब्लिंकिट से मंगाया बिकॉज मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा था, बट थैंक्स ब्लिंकिट मुझे ये मिल गया। अब ये भी मैं मंदिर में चढ़ाऊंगी। मुझे कितना अच्छा लिखा है हैप्पी हैप्पी करवा। गाइस मैंने कुछ इस तरह से मंदिर सजाया है, करवा माता को 16 श्रृंगार चढ़ा दिया, ये करवा, इस पे मैंने चीरा डाला है और ये मिठाई, ये पानी, हल्दी है जितना मैं जानती हूँ उतना ही किया मैंने, और गणेश जी को पूजा है माता पार्वती भोलेनाथ का। करवा चौथ का सामान भी रेडी है, दिस इज सो प्रिटी। देखिए वैसे जितना जानती हूँ उतना कर रही हूँ, है ना। अब आज ऐसे अभी थोड़ी देर में मैं रेडी हो जाऊँगी, फिर रेडी होने के बाद चांद का इंतज़ार करेंगे और पूजा करेंगे, पाठ पढ़ूँगी। 16 श्रृंगार। देखिए मनीष ने मेरे लिए क्या मंगाया ब्लिंकिट से, गजरा, बहुत अच्छे है। ये आज मेरा करवा चौथ का श्रृंगार है, ये सारी मुझे मनीष ने गिफ्ट किया है, और ये गजरा मंगाया, ये बिंदी, ये करनी कॉलेज उसने जाके कल खरीदा, सिंदूर, आगे मंगल। ये साड़ी तो नया आएगा, इसका ब्लाउज नहीं है, बट हाँ ऐसे ही शादी का साड़ी है मेरा पिंक कलर का, इसके ब्लाउज के साथ मैं पहनूंगी और अब मैं रेडी हो जाऊँगी, रेडी हो रही हूँ। देखिए मेरा श्रृंगार का सामान है। जैसे ये सिंदूर से ना अभी माथा वाला चौड़ाने पर चढ़ के मेरी आपने टाउ को मैं मतलब आपने सुहाग लाई वही मांगे थे माता के कहना चाहे हूँ 16 श्रृंगार दरबार से, जितना माता को चढ़ाएंगे उतना अपने सर पे लगाना पड़ेगा माता को चढ़ा के अपने सर। मैं यमराज बेटा करवा माता ने अपना भुराला ले रहा है, ठीक है ये उसी माता ने रेहू का करवा भर के पूजन किया जाता है, देकर व्रत खोला जाता है। देखो गाइस यावी भी रेडी हुई है, रेडी नहीं ये पूरा खुल लियो ला फाइनल बनी फुल ली। गाइस मैंने पूजा वूजा कर लिया और कमेंट में जरूर बताना मैं कैसे दिख रही हूँ, ठीक है मैंने पूजा कर लिया, अब हम चांद का इंतजार कर रहे हैं, चांद कब आएगा और मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। ये मेरा आउटफिट, वैसे मैं साड़ी पहनने वाली थी गाइस बट पता नहीं मेरे को एकदम अनकम्फर्टेबल लग रहा था तो इस वजह से फिर मैंने साड़ी नहीं पहना,
तो मैं सूट पे आ गई, अब भी ऊपर जाएंगे फिर हम खेलेंगे। सो गाइस, अब हम चांद का इंतजार कर रहे हैं और ये मेरी चांद है, चांदनी। हेलो बना ना, बेबी देखिए, देखिए ये भी रेडी हो गई है। यावी तो क्या बनी हो यावी, आज मधुबाला क्या है? रेडी रेडी। गाइस देखिए मनीष का आउटफिट, वो पूरा काला पहने है। मैंने उनको बोला था ब्लैक नहीं पहनने के लिए, बट बिकॉज मैंने रेड पहना उनको ब्लैक पहनना है, राइट? गाइस फाइनली चांद आ गया और हम छत में जा रहे हैं। सो गाइस चांद आ गया और हम अभी छत में जा रहे हैं, पता नहीं छत तो अंधेरा होगा, पूजा करेंगे। ये जानू आटे से मामा 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 फाइनली चांद आ चुके हैं गाइस, ये देखिए चंदा मामा। अब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तारे है बाराती, चांदनी है ये अमृत जैसे चिल्ला ना पूरा हरी बेटी, वो गिरेगा मत। बंधन तो प्यार का बंधन, हमारा करवा चौथ भी हो गया, हमने मैंने व्रत रखा था वो खोल दिया, अब मैं खाना खाऊंगी। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया। और ये रहा हमारा चंदा मामा, दिख रहा है सब हमारा पैकअप हो गया, अब हम नीचे जाएंगे। और ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ गाइज, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्या लगा ज़रूर कमेंट में बताना, अगर नहीं है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। And those are all. Thank you for watching. Keep loving and keep sharing. Bye bye, guys. मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तुम सब पर हैप्पी करवा चौथ बने ना उन्हीं। या भी बंदो। सबको बोल दो ना। हैप्पी करवा चौथ to everyone. Enjoy your करवा चौथ. Give lots of love to your wife and husband. And husband as well. Hi guys. मम्मी बनो। और मैं हैप्पी नहीं हूँ। चौथ हो रहा है। Guys, let me just show, these are the two gifts I have received from my husband. ये करवा चौथ का गिफ्ट है, ये एक साड़ी है, let me just show, और ये दूसरा साड़ी है। तो इन्होंने मुझे साड़ी दिया है, this is green color. So ये एक साड़ी है जो मनीष ने मुझे गिफ्ट दिया है, और एक है ये, ये पिंक कलर में है। उफ, इसको खोलूंगी तो फिर दिस इज द अदर वन।